झांसी महानगर के वार्ड नंबर 38 में रहने वाले लोग बूंद बूंद पानी को तरस रहे हैं। जिला प्रशासन की ओर से सप्लाई होने वाले पानी टैंकरों पर लोग एक साथ टूट पड़ते हैं, जिससे हादसे की आशंका भी बनी रहती है। कई बार लोग यहां पर पानी के लिए लड़ते झगड़ते भी देखे जाते हैं। लोगों का कहना है कि नलों में पानी नहीं आ रहा, लेकिन लगातार विभाग द्वारा बिल जरूर भेजा जा रहा है। शहर क्षेत्र के वार्ड नंबर 38 अली गोल मोहल्ला निवासी दर्जनों महिलाओं ने कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर हाथ में पानी के बर्तनों को लेकर जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने बताया कि बाढ़ के नलों में कई महीनों से पानी नहीं आया, लेकिन बिल उन्हें लगातार भेजा जाता है। उन्होंने बताया कि उन्नाव गेट बाहर स्थित नव निर्मित पानी की टंकी से उनके नलों का कनेक्शन नहीं जोड़ा जा रहा है। भीषण गर्मी पड़ने लगी है, ऐसे में बिना पानी के लोगों का जीवन यापन करना मुश्किल हो रहा है। उन्होंने जिलाधिकारी को ज्ञापन देकर समस्या का निस्तारण करने की मांग की। इस दौरान दर्जनों महिलाएं उपस्थित रहीं। पानी की समस्या को लेकर आई हूं। 30 साल से मेरे यहां पर पानी की समस्याएं हैं। करीब 200 परिवारों में बहुत पानी की किल्लत है। वहां पर पानी बिल्कुल नहीं आता है, ये 30 सालों से कम 30 बिल वगैरह आते हैं, लेकिन जब बिल सब आते हैं, बिल वगैरह आते हैं सर हम लोगों के यहाँ पर। हम लोगों का बिल भी थे। आज हम डीएम के यहाँ ऑफिस कलेक्टर कार्यालय में आए हुए हैं, डीएम के यहाँ पर, डीएम साहब के यहाँ पर। उन्होंने आश्वासन दिया है कि जो उनाव गेट पे झलकारी वाई की जो टंकी बन रही है उनाव गेट बाहर, वहाँ पर लाइन आपको जोड़ने का प्रयास करेंगे। संबंधित अधिकारियों से बात करके पूरा प्रयास करेंगे जोड़ने का हम लोग। झांसी से रवि परिहार की रिपोर्ट।